न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को पढ़ना का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। किशनगंज थाना अधिकारी द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के बचाव व लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने हेतु पुलिस द्वारा कस्बे सहित क्षेत्र में लोगों से की जा रही है समझाइए। कोरोना वायरस की बीमारी से बचाव के लिए किए गए 21 दिन के लॉकडाउन की पालना करने के लिए किशनगंज पुलिस द्वारा हर रोज कस्बे में बराबर से घूम घूम कर आने जाने वाले व अनावश्यक घूमने वालों को घरों पर ही रहने की बार बार हिदायत दी जा रही है। किशनगंज थाना अधिकारी CI राजेंद्र कुमार मीणा ने बुधवार को कस्बे के बस स्टैंड पर सभी दुकानदारों को भी निर्धारित रेट पर ही आवश्यक वस्तु लोगों को बेचने के लिए निर्देश दिए। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने सभी दुकानदारों से अवधि पार सामानों को ग्राहकों को नहीं देने व अवधि पार सामानों को दुकानों से फेंकने को भी कहा और चेतावनी दी कि अगर किसी के पास अवधि पार सामान बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वही दुकानदार वह राशन डीलरों को भी हिदायत दी कि ग्राहकों को सामान देते समय 1 मीटर की दूरी में गोले बनाकर गोले में ही सामान देने की हिदायत है। थाना अधिकारी मीणा ने कस्बे सहित रामगढ़ रेलावन छिनोद रानी बड़ोद क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना क्षेत्र के लोगों द्वारा समझदारी के साथ की जा रही है और लोग भी समझदार होने पर इसकी पालना कर रहे हैं। छुटपुट लोगों को छोड़कर उनसे भी अनावश्यक घूमने वालों को समझाइश कर उनको घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। नहीं मानने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है और आवश्यक कार्य से आने वालों को परेशानी नहीं होने दी जा रही है। उनको इसके लिए अपने कार्य के लिए अधिकारियों के आदेश की भी पालना की जा रही है। किशनगंज से मदनलाल शाक्यवाल की रिपोर्ट। राउंड द क्लॉक जाप्ता लगाया हुआ है और हमारे अधिकारी खुद हमारे थाने के जो भी हैं वो राउंड दे रहे हैं लगातार थाने पर इलाके में किशनगंज इलाके में अच्छी ड्यूटी चल रही है। अच्छी लॉकडाउन की अच्छी पालना हो रही है। लोग समझदार हैं, काफ़ी पालना की जा रही है। छुटपुट जो नहीं कर रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है। मोटरसाइकिल वगैरह कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, जब्ती वगैरह की जा रही है। बाकी सही चल रहा है, अभी पूरी तरह से पालना की जा रही है। कोई इमरजेंसी है तो हम लोग